तो फाइनली हम अपने पुराने सेटअप पर वापस आ ही गए। फाइनली हम अपने पुराने सेटअप पर वापस आ चुके हैं और आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज का वीडियो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो आपने थंबनेल में देखा, टाइटल में पढ़ा, हाउ टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट होम, वही आज वीडियो में हम करने वाले हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो गैस होती है, उस गैस को मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो दोस्तों हमें जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मैं दिखाऊंगा वो मतलब असल में एक एक्सपेरिमेंट ही है, मतलब एक साइंस एक्सपेरिमेंट होगा, एक केमिकल रिएक्शन हम करेंगे। तो उसके लिए जो जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सारी चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ। देखो हमें चाहिए होगा पहले ये विनेगर, यानी कि एसिटिक एसिड, यानी कि जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड हमें चाहिए होगा, और साथ ही हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी हमें चाहिए होगा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ और, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें और, ये पर ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें मेन होगी हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए। और भी हमें चीज़ें चाहिए वो भी आपको मैं बता देता हूँ। और हमें साथ में जो होगी जिस तरह की एक खाली प्लास्टिक की बॉटल की, बिल्कुल खाली, कोई भी आप बॉटल यूज़ में ले सकते हो। और साथ ही में हमें सिंपली क्या करना होगा, इस बॉटल के ऊपर का जो ये वाला पार्ट है, इतना वाला पार्ट जो है, हमें इसको काट लेना होगा कुछ इस तरह से। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमें इस तरह से जो है इसे क्यों काटना है। और हमें चाहिए होगा एक बीकर, एक बलून, एक गैस लाइटर और माचिस, और साथ ही में हमें ज़रूरत होगी एक कैंडल की यानी एक मोमबत्ती की। और साथ ही में एक चीज़ और है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैं इस वीडियो में जो एक्सपेरिमेंट करूँगा उसके लिए मैं इस चीज़ का यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, वो है इनो। आप इनो का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है तो आप इस इनो का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलो यार एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें बनाना होगा। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे जब हम इन दोनों चीज़ों को यानी कि बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड यानी विनेगर को आपस में मिला देते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। जिस रिएक्शन में जो होता है, उस रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो वही हम करने वाले हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम इस बीकर में थोड़ी सी विनेगर ले लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा विनेगर हम इस बीकर में डाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पर इस बीकर में थोड़ा सा विनेगर ले लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, बिल्कुल थोड़ा सा, बस इतना काफ़ी होगा मुझे लगता है। थोड़ा सा और ले लेते हैं, बस इतना काफ़ी होगा। अब हमें सिंपली क्या करना होगा, चलिए थोड़ा सा और डाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है जो हमारा बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हम इसमें डाल देंगे, सिर्फ एक चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। चलिए ये भी डाल देते हैं। सिर्फ एक चम्मच हम इसमें डालेंगे, बस इतना काफी होगा। देखिए पूरा एक चम्मच मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज करनी होगी। हम देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यार रिलीज होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम ये केमिकल रिएक्शन करेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी या नहीं आएगी, लेकिन यार उसको टेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो टेस्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इसको एक बार मैं साइड पर रख देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ मतलब, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है यार, देखो
कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो मेरे पास ये माचिस है, अब मैं माचिस को जला रहा हूँ, देखो मैं माचिस को जला रहा हूँ, तो ये माचिस जो है जल चुकी है। अब माचिस कोई भी चीज़ हो, चाहे वो माचिस हो चाहे वो लाइटर हो, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, यानी कि कोई भी चीज़ हो वो ऑक्सीजन के बिना कभी भी नहीं जल पाती। तो देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जैसे मान लो ऑक्सीजन, मैं जैसे मान लो ऑक्सीजन है कहीं पर तो आग लग रही है किसी चीज़ को, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है उस ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और जो आग होती है वो बुझ जाती है, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम उसके लिए वही चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर, मेरे पास एक कैंडल है, मैं कैंडल को जला लेता हूँ पहले। तो ये मेरी कैंडल जल चुकी है, इसको एक बार मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। हाँ, और साथ में बस माचिस भी है, जिससे भी मैं आपको मतलब टेस्ट करके दिखाऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस, और साथ ही में मेरे पास लाइटर भी है। तो चलो अब हम इसके अंदर जो मैंने इस बीकर के अंदर विनेगर लिया था, अब मैं इसके अंदर जो है वो बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब मैं डाल दूंगा। तो मैं इसके अंदर डालना शुरू कर देता हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर एक चम्मच डाल दिया, आप देख सकते हो जो हमारा जो मैंने बनाया, देखो आप इसके अंदर देख सकते हो ये बाहर की ओर आ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, इसके अंदर जो है ऊपर की ओर जो मतलब झाग बन रहा है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ हो रही है। अब जैसे ही मैं जलती हुई कैंडल इसके पास लेके जाता हूँ, वो कैंडल बुझ जाती है, आप देख सकते हो कैंडल बुझ चुकी है। ठीक उसी तरह अगर मैं एक माचिस जलाऊँ और जलती हुई माचिस को, मैं माचिस जल चुकी है और मैं इसको सिंपली देख सकते हो अब ये जल रही है माचिस, और मैं इसको सिर्फ इसके पास लेके जाऊँगा और माचिस बुझ जाती है। ठीक उसी तरह मैं लाइटर लेकर जाता हूँ, अगर मैं लाइटर लेकर जाता हूँ तो वो बुझ जाता है, या फिर अगर मैं इसके अंदर लाइटर को डाल दूँ और जलाने की कोशिश करूँ तो लाइटर नहीं जलता, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मैं गिलास के अंदर जो है लाइटर को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो बीकर है इस बीकर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी हो चुकी है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आग नहीं लग पा रही हमारे लाइटर को, या फिर किसी भी चीज़ को जब हम इस मैं बीकर के पास लेकर जाता हूँ तो वो आग नहीं पकड़ता, वो बल्कि वो आग बुझ जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये प्लास्टिक की बॉटल और ये बैलून का क्या काम था, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने भी अपने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जिसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर दिखाई और मैंने एक कैंडल लेकर गया उसके पास, और जो कैंडल थी वो बुझ चुकी थी, यानी कि कोई भी जलती हुई चीज़ अगर मैं उस बीकर के अंदर लेकर जा रहा था वो उसमें आग नहीं लग रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक और मतलब अपग्रेडेड वर्जन है इस एक्सपेरिमेंट का, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और ये वाला जो है ये पिछले वाले से बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। हमें सिंपली क्या करना होगा, कुछ इस तरह की खाली प्लास्टिक की बॉटल लेनी होगी, देखिए कुछ इस तरह की। तो अब हमें क्या करना होगा, इस बॉटल का कैप है उसे उतार लेना, और इस बॉटल के अंदर जो ये वाला बॉटल है, हमें इस बॉटल के अंदर भरना होगा थोड़ा सा एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, देखिए कुछ इस तरह से। मैं इसके अंदर विनेगर डाल देता हूँ, देखिए बस इतना काफ़ी होगा, देखिए मैंने मतलब थोड़ा सा जो है विनेगर इसके अंदर डाल लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार साइड पर रख देते हैं, इस बॉटल कैप लगा के मैं इसको एक बार साइड पर रख देता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो होगा बैलून का हमें क्या करना होगा, जो बैलून है हमें इस बॉटल का जो हमने ऊपर वाला पार्ट जो हमने काटा था, ये मैंने कुछ दूसरी बॉटल में से काट लिया था, ये बॉटल नहीं है, तो हमें इसको क्या करना होगा, कुछ इस तरह से जो है इसके आगे फिक्स करना होगा, देखिए कुछ इस तरह से। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, उसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बैलून को मतलब पूरा स्ट्रेच करना पड़ता है और फिर इसके आगे लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जो बैलून था उसको मतलब बड़ी मुश्किल के बाद जो है मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया, यानी कि इसके आगे लगा दिया बैलून, देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें क्या होगा, यहाँ पर जो है एक फनल बन जाता है, यानी कि एक हम इस बैलून के अंदर जो है बेकिंग पाउडर को भरेंगे। उसके लिए यहाँ पर क्या है, एक मतलब हमें यहाँ पर भरना इजी होगा, अगर हम बैलून के अंदर ऐसे भरें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और साथ ही में उसके साथ क्या होता है, थोड़ा बहुत
बेकिंग पाउडर बाहर भी मिलता जाता तो उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होती। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपली बेकिंग पाउडर लेंगे। तो ये रहा बेकिंग पाउडर, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कुछ इस तरह से एक चम्मच डाल देता हूँ, एक चम्मच और डालता हूँ ताकि थोड़ा और मज़ा आए। अब होगा क्या, देखो अब क्या होगा, देखो अब इस बैलून के अंदर भरी हुई है, तो हमने इस बैलून के अंदर भर दिया हुआ है बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या करेंगे, देखो जैसे आपने पहले देखा कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गिरा दिया बैलून को उतारते, कोई बात नहीं। अब जैसे आपने पहले देखा कि मैंने एक बीकर के अंदर पहले एसिटिक एसिड डाला, फिर उसके अंदर जो था हमने बेकिंग पाउडर डाला, तो अब क्या होगा, अब भी वही होगा। लेकिन इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैल मैंने बॉटल के अंदर पहले विनेगर डाल लिया हुआ है और फिर इसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से जो है बैलून को लगा दूंगा, इसके ऊपर बैलून लगा दूंगा और फिर मैं बॉटल को शेक करूंगा। उससे क्या होगा, जितना भी बेकिंग पाउडर इसके अंदर भरा हुआ है वो सारा इस बॉटल के अंदर चला जाएगा और उसके बाद जो होगा वो बैलून होगा अपने आप ही भरना शुरू हो जाएगा। और वो बैलून के अंदर जो गैस भरेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। चलो मैं इसको इसके ऊपर लगा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बैलून को लगा दिया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस बॉटल को कुछ इस तरह से जो है शेक करूँगा और उसके बाद सारा बेकिंग पाउडर जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। मैं बॉटल को शेक कर देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो बैलून फूलना यानी कि बैलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरना शुरू हो चुका है, देख सकते हो आप। देख सकते हो बैलून अभी भी फूल रहा है यानी कि बैलून अभी मतलब थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी इस बॉटल के अंदर पड़ी हुई है। चलो इसको और शेक कर देते हैं। बस इतना काफ़ी होगा, इसको थोड़ा हिला देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेकिंग पाउडर अंदर जा पाए। बस इतना काफ़ी होगा। मैं इसको बड़े ध्यान से जो है इसमें से हटाया था, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी, वो होगा कि हमें जैसा हमने पहले किया था हमें एक कैंडल को जला लेना होगा। तो जल्दी कैंडल, अब मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कि इस बैलून के अंदर जो हमने बैलून में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो चलो यार मैं इसको एक्सपेरिमेंट करते हुए एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। मैंने क्या किया, जो बॉटल के अंदर हमने विनेगर लिया था वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। उससे क्या हुआ, थोड़ा बहुत मतलब एकदम से मैंने जैसे ही बैलून को उतारा यहाँ पर थोड़ा बहुत खिल गया यानी कि एकदम से जो था बैलून मतलब ब्लास्ट हो गया। तो अब मैंने फिर से मतलब बैलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर ली उसी तरह से। तो चलो अब ट्राई करते हैं हम इस कैंडल को, कैंडल में जो आग लगी है यानी कि इसके आसपास जो ऑक्सीजन है उसको ख़त्म कर देते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस तरह से, देखिए कैंडल थी जो बुझ चुकी है। अब मैं फिर से जला देता हूँ आपको एक बार फिर से प्रूफ के लिए। तो देखो यहाँ पर मैंने लाइटर से जलाया कैंडल को और यहाँ पर मैंने बैलून है उसके जो आगे जो मतलब हवा मतलब उसको मैंने अपनी उंगलियों से दबा कर रोक रखा था कि हवा ना निकल जाए। तो देखो बुझ गई फिर से कैंडल। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर लाइटर है मेरे पास तो लाइटर भी बुझ गया। अब मैं जला रहा हूँ लाइटर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ पर जो है लाइटर आग नहीं पकड़ रहा। दोस्तों यही था आज की वीडियो में एक्सपेरिमेंट, यही था मैं आपको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन दोनों चीज़ों की मदद से बेकिंग पाउडर और विनेगर की मदद से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर दिखाना चाहता था यानी कि एक्सपेरिमेंट यही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी